गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन टीचिंग क्लास ऑफ मैथ फॉर ग्रेड फिफ्थ। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। इसमें इन नंबर्स को बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि ये 6 से डिवाइजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो इसका रूल्स क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9432। तो इसका रूल्स ये है कि इफ नंबर इज डिवाइजिबल बाई 2 और 3, ठीक है, अगर ये नंबर 2 और 3 से डिवाइजिबल है तो ये नंबर 6 से भी डिवाइजिबल होगा। तो हमें चेक करना है 2 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इसके वंस पोजीशन पे देखते हैं। अगर हमारा ये इवन नंबर है, यानी इसके वंस पोजीशन पे 2 या 2 के टेबल वाला नंबर होगा, 2, 4, 6, 8, ठीक है, अगर ये नंबर होगा तो ये 2 से डिवाइजिबल होगा। तो ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि 2 से डिविजिबिलिटी तो पढ़ चुके हैं, और 3 से भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इन सबको टोटल जितने डिजिट हैं उन सबका टोटल अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से भी डिवाइजिबल होगा। ठीक है, तो 3 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक की हमने, इनका टोटल 18 आया, 18 डिवाइजिबल है 3 से, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से भी डिवाइजिबल है और 3 से भी डिवाइजिबल है। तो इसका मतलब जब दोनों से डिवाइजिबल है तो ये 6 से भी डिवाइजिबल होगा। ठीक है, ये रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी का सी पार्ट हमने ये लिया है 4563, ठीक है, इसका लिया है। अब ये इसके लास्ट डिजिट, इसके वंस पोजीशन पे 3 है, तो ये 3 से डिवाइजिबल है, लेकिन ये 2 से डिवाइजिबल नहीं है ना, क्योंकि इसके वंस पोजीशन पे 2 या 2 के उसके मल्टीपल्स नहीं है, 4, 6, 8 नंबर कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा 3 से डिवाइजिबल है लेकिन 2 से नहीं है, इसलिए ये 6 से डिवाइजिबल नहीं होगा क्योंकि ये 2 से डिवाइजिबल नहीं है। ठीक है, रीजन भी बताते जाना है आपको जो भी करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह डी है। अभी इसका लास्ट पोजीशन का नंबर 0 है तो ये 2 से डिवाइजिबल होगा, लेकिन 3 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करनी है हमें। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इन सबका, इन सारी डिजिट का हमें टोटल निकालना है। 8+4+2+6+7+0, इन सबका टोटल किया तो 27 आया, जो 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है 27, इसलिए ये 3 से डिवाइजिबल है। तो यानी ये नंबर 3 से भी डिवाइजिबल है, 2 से भी डिवाइजिबल है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइजिबल होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 डिजिट का नंबर अगर है तो उसको हम देखेंगे कि 7 के टेबल में आता है कि नहीं, उसे हम देख लेंगे कि वो 7 के टेबल में अगर आता है तो वो डिविजिबल होगा 7 से। और 3 या 4 डिजिट का अगर नंबर है तो उसका रूल है। ठीक है, रूल क्या है, रूल ये है कि इसके जो वंस टेंस पोजीशन का नंबर है वो राइट करेंगे, प्लस 2 × ये थर्ड डिजिट, थर्ड के आगे जो भी डिजिट होगा ना, 100 के आगे जो इधर जो दो भी डिजिट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे इन दोनों नंबर्स को। फर्स्ट 2 डिजिट ये वंस टेंस वाले, इनको, इन डिजिट को प्लस करेंगे किसमें, 2 × इधर दो डिजिट आएंगे थर्ड डिजिट से, इधर से जो भी नंबर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जो प्लस करेंगे, अगर वो नंबर आपका 7 से डिवाइजिबल है तो आपका ये नंबर पूरा 7 से डिवाइजिबल होगा। ठीक है, उसी तरह अगर 4 डिजिट का ये नंबर है, एग्जांपल एक मैं आपको बता रही हूँ, ये वंस टेंस है, वंस टेंस यहाँ राइट किया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 17 के बाद के जो नंबर रह जाते हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा, उन दोनों को प्लस करने पे जो हमारा नंबर आएगा, अगर ये नंबर हमारा 7 से डिवाइजिबल है तभी हमारा ये पूरा नंबर डिवाइजिबल होगा 7 से। तो ये देखोगे 7 × 2 = 14 और 7 × 1 = 7, ये 147 हमारा 7 से डिवाइजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर 7 से डिवाइजिबल होगा। समझ आ गया रूल्स क्या है, ये वंस टेंस को ऐड करना है किसमें, 2 × जो लास्ट के दो नंबर रहते हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो आएगा वो अगर हमारा 7 से डिवाइजिबल है, देन दिस नंबर, हमारा टोटल नंबर इज डिवाइजिबल बाई 7। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको करके बता रही हूँ, ये ई पार्ट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 7 का ई पार्ट मैं करके बता रही हूँ आपको। ये है, इसके लास्ट 2 वंस टेंस वाले डिजिट को राइट करेंगे, प्लस 2 × ये बच्चों बच गए सारे नंबर, 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 506 जो नंबर आपके बच गए 16 के अलावा उसको मल्टीप्लाई करके ये हमारा आया, इन दोनों को प्लस करोगे तो इतना आएगा। जब प्लस करेंगे
प्लस करने के बाद उसको हम डिवाइड करके देखेंगे कि वो हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिवाइड करके देखा तो हमने नहीं डिवाइड हुआ, इसमें रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये मतलब 7 से डिवाइजिबल नहीं है ये नंबर। अगर ये नंबर 7 से डिवाइजिबल नहीं है तब हमारा ये नंबर भी 7 से डिवाइजिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8। 8 से डिविजिबिलिटी भी चेक करने का रूल है, अगर कोई नंबर ये दिया हुआ है तो उसकी लास्ट 3 डिजिट 1s, 10s, 100 वाली डिजिट अगर वो 8 से डिवाइजिबल होगी तभी आपका ये पूरा नंबर 8 से डिवाइजिबल होगा। तो ठीक है, लास्ट 3 डिजिट को आप यहाँ डिवाइड कर लो, रफ में डिवाइड करके देख लो कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है तभी आपका ये नंबर, ये रूल है इसके, ठीक है, इससे डिवाइजिबल हो जाएगा ये नंबर। उसी तरह इसका सी पार्ट है, जैसे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 8 का सी पार्ट है क्वेश्चन 936032। अब इसमें जीरो है, इधर की डिजिट में जीरो आ रहा है तो जीरो को नहीं, जीरो का मतलब अगर डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब कुछ नहीं होता। 32 को देखेंगे, 8 की टेबल में 32 आता है तो यानी ये 3 डिजिट तीनों क्या है, ये डिवाइजिबल है 8 से, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइजिबल होगा। इसमें यही करना है कि आपको लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है डिवाइड करके। इसमें 258 को डिवाइड करके देख लेना आप, 148 को डिवाइड करके देख लेना कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है तभी आपका ये बी पूरा डिवाइड होगा और डी भी अगर डिवाइड होगा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4th है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9, ठीक है। अब इसमें डिविजिबिलिटी 9 से चेक करनी है, तो 9 से चेक करने के डिविजिबिलिटी का इजी रूल है, इसमें जितने डिजिट दिए हैं उन सबका टोटल करो, 5+3+6+4 सारे डिजिट का टोटल करो, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो आपका ये पूरा डिजिट 9 से डिविजिबल होगा। इसका रूल सिंपल है, बस डिजिट का टोटल करना है, अगर वो 9 के टेबल में आता है तो इसका मतलब वो डिविजिबल है, ठीक है। इसी तरह आपको बिना डिवाइजिबल किए ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 5th है जी, 10 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो 10 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिसके वंस पोजीशन में जीरो आएगा, लास्ट के डिजिट में जीरो आएगा, जिसके लास्ट डिजिट में जीरो आएगा वही हमारा 10 से डिविजिबल होगा, ये एंड ये। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने का थोड़ा सा रूल है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये 6th क्वेश्चन का जैसे बी पार्ट है 7689, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 11 से, ठीक है। तो इसमें क्या है, 6000 ये नंबर्स लिख लेंगे हम, 6, 7 थोड़ा दूर, उसके बाद देखेंगे ये 1, 2, 3, 4 उसकी पोजीशन बना देंगे कि ये 1 पोजीशन है, 2 है, ये थर्ड है, ये 4th है। तो ऑड और इवन, तो 1 हमारा ऑड नंबर होता है इसलिए ये ऑड पोजीशन है, ये इवन है, ऑड है एंड इवन है, पहले इनकी पोजीशन राइट कर देंगे, ऑड इवन ऑड इवन। तो इवन पोजीशन पे हमारे कौन कौन से नंबर हैं, 2, जैसे ये 8 है और ये 7 है, तो यहाँ पे राइट करेंगे हमारा इवन पोजीशन पे कौन सा नंबर है 8 और 7, ऑड पोजीशन पे हमारे कौन से नंबर है 9 एंड 6, ऑड पोजीशन पे हमारे क्या है 9 एंड 6। तो इनका डिफरेंस निकालना है हमें, ऑड पोजीशन एंड इवन पोजीशन का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके जो इन दोनों डिजिट का टोटल करेंगे और इन दोनों का डिजिट का टोटल करके, अगर इन दोनों डिजिट का टोटल 0 आता है या 11 आता है या 11 का कोई मल्टीपल आता है, 22, 33, 34, 55 इनका मल्टीपल आता है, तो इसका मतलब ये नंबर डिवाइजिबल होता है 11 से, ठीक है, 11 से डिवाइजिबल होगा। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जैसे ये सवाल है क्वेश्चन नंबर सी है 6 का, तो ये है अगर हम इसको इस तरह पहले नंबर को राइट करेंगे उसके बाद उसकी पोजीशन राइट करेंगे, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, तो इवन पोजीशन पे सारे नंबर लिखेंगे कौन से हैं और ऑड पोजीशन पे कौन से डिजिट हैं, फिर इन दोनों का टोटल का डिफरेंस निकालेंगे। इनका अगर टोटल हमारा कितना आया 12 और इनका कितना आया टोटल 16। अब 16 में 12 माइनस करेंगे, 16 में 12 माइनस करोगे तो हमारा क्या आएगा 4, जो कि ना तो 11 है ना तो 0 है, तो इसका मतलब ये नंबर डिवाइजिबल बाई 0 नहीं है, ये 11 से डिवाइजिबल नहीं होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर ए है जैसे 6809, तो इसका करना है उसी तरह, इसको ऑड इवन पोजीशन पे लिखना है, 9 हमारा ऑड पे, 0 इवन पे,
एट ऑड पे और सिक्स इवन, तो डिफरेंस निकालेंगे ऑड और इवन का, ऑड का एट और नाइन सेवनटीन और इवन पोजीशन का क्या होगा सिक्स प्लस जीरो सिक्स ही आएगा, इन दोनों का डिफरेंस इलेवन आ रहा है, इसका मतलब ये डिवाइजिबल बाई होगा इलेवन से, डिफरेंस या तो जीरो या तो इलेवन आना चाहिए तभी वो नंबर डिवाइड होगा जीरो से, इलेवन से डिवाइड होगा। ओके थैंक्स फॉर विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो डू दिस एक्सरसाइज 3.3 के ऑल सम आप कर लोगे, ठीक है, डू दिस।